सोमवार शाम एक बार फिर आतंकियों ने बिलाल अहमद नामक पुलिसकर्मी को गोलियों का निशाना बनाया। घटना शोपियां के मुख्य चौक की है, जिसमें वहील शोपियां का निवासी रफीक भी घायल हुआ है। वहीं दोनों घायलों को गंभीर हालत में बेहतर उपचार के लिए श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दूसरी ओर हमलावरों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज डेस्क, वक्त इंडिया।